आप में से ज्यादातर एक्टर इस बात से परेशान रहते हैं कि डायलॉग डिलीवरी पर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रह पाता, स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहता, स्पीड पे कंट्रोल नहीं रहता। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप टेक्निकली और प्रैक्टिकली इस परेशानी को दूर भी कर देंगे और आपके डायलॉग में बहुत अच्छा दम आ जाएगा। तो देखते रहिए फिल्मी फंडे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं वीरेंद्र राठौर और अगेन थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से आप इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उससे वाकई मैं बहुत ही खुश हूं और इसलिए बार बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता रहता हूं, क्योंकि आप ही की वजह से मैं इस तरह से नए नए टॉपिक पर वीडियोस लेकर आ पाता हूं जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं आप देखना चाहते हैं। तो इस बार जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और इस वीडियो से सीखिएगा। और यकीन जानिए, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की तो वाकई वाकई आपकी आवाज में फर्क आएगा, आपकी डायलॉग डिलीवरी में भी फर्क आएगा। ज्यादातर लोगों ने मुझसे ये बोला है कि उनका कंट्रोल नहीं है अपनी वॉइस पे। जिस तरह से देखिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com, मैं हूं वीरेंद्र राठौर, तो ये देखने में बोलने में बहुत ही अजीब लगेगा, सुनने में उससे ज्यादा अजीब लगेगा। आप सभी एक्टर एक स्टोरी टेलर होते हैं। अगर आप अपनी बात को, अपने डायलॉग को बहुत अच्छे अंदाज में, प्रॉपर ब्रेक के साथ, पंक्चुएशन को बहुत अच्छे से यूज करते हुए, ब्रीथिंग स्पेस को बहुत अच्छे से यूज करते हुए, पॉजेज लेकर डायलॉग को प्रॉपर स्पीड में नहीं बोलेंगे तो आपकी बात कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। कोई भी देखने वाला आपके डायलॉग से सहमत नहीं होगा, आपके कैरेक्टर से आइडेंटिफाई नहीं करेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगी, बहुत ही बोरिंग लगेगी। तो बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए कि उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही परफेक्ट हो, और परफेक्ट करने का वो जादुई तरीका, वो मैजिक एक्सरसाइज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो देखने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही औसम है, मार्वेलस है, ट्रेमेंडस है। आपको करना बस ये है कि आपके पास एक पेंसिल या पेन, जो भी चीजें अवेलेबल हो, उसको आपको इस तरह से दोनों दांतों के बीच में रखना है। ध्यान रखें कि जो टंग है आपकी, जो जीभ है, उसको फ्री छोड़ दें, उसको फ्री छोड़ दीजिए, बाकी इसको ऐसे दबाइए और इसको ऐसा रखने के बाद आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है डायलॉग की, या कुछ भी चीज आप ले सकते हैं, अखबार ले सकते हैं, कोई कहानी ले सकते हैं, कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं जिसको आपको जोर जोर से लाउडली पढ़ना है। इस तरह की एक्सरसाइजेस हम अपने जो एक्टिंग कोर्स है उसमें लगातार सिखाते रहते हैं स्टूडेंट्स को और इससे उनको बहुत फायदा हुआ है। दो दो दिन, तीन तीन दिन में अगर उन्होंने सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस की है तो उसके बाद डायलॉग बोलने में उनको बहुत आसानी हुई है, उनका स्टैमिना बढ़ा है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है कि वो लंबे लंबे डायलॉग भी बहुत इजीली बोल पा रहे हैं और बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। तो आपको करना ये कि देखिए, ऐसे इसके बाद आपको कोई भी डायलॉग बोलना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपका डायलॉग बिल्कुल क्लियर आए। अभी आप देखेंगे कि मैं जितनी भी बात कर रहा हूं उसमें अपने आप स्पीड कम हुई है लेकिन वर्ड क्लियर आए हैं। आपने देखा, मैं कोशिश तो कर रहा था तेज बोलने की। अगर मैं आपको अंदाजे से बताऊं तो मेरी स्पीड कुछ ये थी। देखिए, इस तरह से आप दबाकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायलॉग बोलने में परेशानी होगी, ये स्पीड है, लेकिन जब आप सुन रहे थे इसको लगाने के बाद तो स्पीड स्लो होगी। तो इससे क्या है, हमारा जो ऑटोमेटिक मैनुअल है, हमारे मुंह का, टंग का, माइंड का, उसको हम मैनुअल कंट्रोल पे ला रहे हैं, मैनुअल गियर लगा रहे हैं कि नहीं, इसकी स्पीड स्लो करो। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे लेकिन वर्ड्स को क्लियर करते जाएंगे, आपका जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर ही आना चाहिए। एक बार और देखते हैं, हेलो फ्रेंड्स माय टर्म वीरेंद्र राठौर। अब आपने देखा यहां पर वीरेंद्र क्लियर नहीं आया, तो आपको करना क्या है, कोशिश करनी कि वीरेंद्र क्लियर आना शुरू हो। हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज वीरेंद्र राठौर, पहली बार से थोड़ा क्लियर है, और प्रैक्टिस करते जाए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो शुरुआत में क्लियर नहीं निकलेंगे, आपको बस पकड़ना यह है कि इस प्रैक्टिस को तब तक करते रहें जब तक कि वो शब्द क्लियर ना निकले। आप देखेंगे कि जैसे आप पेंसिल निकालेंगे 10 मिनट की एक्सरसाइज के बाद तो थोड़ा सा इधर उधर दर्द होगा, घबराए नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अपने जॉ को, जबड़े को, उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज करें। जब आपके वर्ड्स क्लियर निकलना शुरू हो जाएंगे और आपको खुद महसूस होगा कि इसके बाद ना आपका ये जो पोर्शन है बहुत रिलैक्स हो गया है,
अब आप बहुत कंट्रोल करके अपने डायलॉग्स को बोल पा रहे हैं, अपनी बात को कह पा रहे हैं। यकीन जानिए, अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 7 दिन तक आपने इस एक्सरसाइज को सिर्फ 10 मिनट भी कर लिया, आपके डायलॉग डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, आपके बोलने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को करते रहिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस के जो मैंने परिणाम है, जो रिजल्ट है, शूटिंग के टाइम पे देखे हैं। कई बार कई एक्टर आ जाते हैं हमारे सामने जिनकी डायलॉग डिलीवरी होती है बहुत ही फास्ट होती है, तो अब इमिडिएटली क्या करें, तो हम उनसे सिर्फ 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कराते हैं और उसके बाद डायलॉग बुलवाते हैं, तो एकदम फर्क आ जाता है। इसी तरह की एक्सरसाइज हम अपने कोर्सेज में, वीडियो कोर्सेज में भी बताते रहते हैं, और उसका भी जो फीडबैक हमें मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है, सबको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरी हमेशा से कामना यही है, विशेष यही है कि आप एक कामयाब एक्टर बने, और कामयाब एक्टर बनने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही और भी एक्सरसाइजेस आपके सामने लेकर आता रहूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।